Hello friends, myself Nishant Kumar Singh welcome you all to Road to Success IAS PCS Preparation. हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लक्ष्मीकांत बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर कवर अप कर रहे हैं. अभी तक हम चैप्टर 5 तक कवर अप कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है सिटीजनशिप. इसको हमने दो पार्ट में बांटा है. अभी हम पार्ट 1 का कवर अप करेंगे जिसके अंदर हम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक कवर अप करने वाले हैं. पार्ट 2 के अंदर हम कवर अप करेंगे कि कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं. साथ ही साथ ओवरसीज इंडियंस के बारे में भी जानेंगे और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में भी जानेंगे. ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारा सिटीजनशिप चैप्टर का पार्ट 1. पहला है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी सिटीजनशिप है ये पार्ट 2 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर. और सिटीजनशिप को कवर अप करने के लिए आर्टिकल हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 यानी कि 5 to 11. ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं. पहला होता है सिटीजन, दूसरा होता है एलियन. ठीक है, जब मैं एलियन की बात कर रहा हूँ तो दूसरे ग्रह या दूसरे प्लैनेट के बंदे की नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के बंदों की बात कर रहा हूँ जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है. ठीक है, एलियन भी दो टाइप के होते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन. फ्रेंडली एलियन जिसके साथ हमारे देश के ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हों, जिस देश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे चल रहे हों उस देश के नागरिक को कहते हैं फ्रेंडली एलियन. और वो देश जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब चल रहे हैं और युद्ध स्तर के चल रहे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं हैं उसे कहते हैं एनिमी एलियन. ठीक है, अब एनिमी एलियन को एडवांटेज नहीं मिलता है आर्टिकल 22 का, जो कि प्रोटेक्शन देता है आपको अरेस्ट और डिटेंशन के संदर्भ में, जो कि एडवांटेज मिलता है आपके फ्रेंडली एलियंस को. ठीक है, कुछ राइट होते हैं हर एक सिटीजन के, वो देख लेते हैं. जो सिटीजन के राइट्स हैं जो कि जो भारतीय सिटीजन को मिलेंगे वो है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा आपके जेंडर के बेस पे, आपकी कास्ट के बेस पे, आपके रिलीजन के बेस पे. आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है, 6 टाइप की फ्रीडम देता है. कौन कौन सी हैं आपकी? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन देता है, आपको राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस देता है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी देता है. आप पूरी के पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही साथ आप कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन सब को कवर अप करेंगे हम फंडामेंटल राइट चैप्टर के अंदर. आर्टिकल 29-30 आपको का प्रोटेक्शन देता है कल्चरल एजुकेशन संदर्भ में. ठीक है, साथ ही साथ आपको जो वोटिंग राइट होता है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है. जो एमएलए और एमपी के लिए कंटेस्ट करने का और बनने का जो राइट होता है वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है. प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होने का, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होने का, गवर्नर के तौर पर चुने जाने का स्टेट के अंदर, एडवोकेट जनरल, ठीक है, या अटॉर्नी जनरल के तौर पर चुने जाने का. ठीक है, ये सारे के सारे जो पोस्टें हैं ये सिर्फ खुली हुई हैं किसके लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए. साथ ही साथ जहाँ आप राइट इन्जॉय करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं. वो ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि जैसे कि आपको अपने राष्ट्र ध्वज की इज्जत करनी होगी, आपको अपनी नेशन की सर्विस के लिए हमेशा खड़ा होना पड़ेगा, यू हैव टू डिफेंड योर नेशन. ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग. साथ ही साथ दूसरा एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो दोनों तरीके के बंदों के लिए ओपन है. अभी दो तरीके के बंदे कौन है? वो इंडियन सिटीजन जो कि बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है. ठीक है, और दूसरे जिन्होंने नेचुरलाइजेशन किया है, एक्वायर किया, बाय बर्थ तो वो बाहर के हैं पर उन्होंने एक्वायर किया है इंडियन सिटीजनशिप क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करके. दोनों ही कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं. ठीक है, पार्ट 2 सिर्फ इस चीज़ की बात करता है कि कौन सा बंदा इंडियन सिटीजन है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा बंदा इंडियन सिटीजन है. उसके अलावा जो क्लॉज हैं जो कि डील करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को लेके कि एक्वायर कैसे की जाए या सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसी होगी, किसी की खो कैसी जाएगी, निरस्त कैसे हो जाएगी, इस सब के बारे में जो सोचना है, समझना है, लॉ बनाने हैं. ठीक है, वो काम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि आप इन संदर्भ में काम करेंगे. इसी पावर को जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मिली है इसके संदर्भ में कुछ एक्ट बनाए हैं उन्होंने जो कि है सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1965, 1986, 1992, 2003, 2005 and 2015. अब जो हमारा संविधान है वो कहते हैं कि चार कैटेगरी के पर्सन जो हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था? 26 जनवरी 1950. देखते हैं कौन कौन से चार कैटेगरी. पहली कैटेगरी आती है आर्टिकल 5 के अंदर. काफ़ी वाइब्रेंट एक्टर है मिस्टर टॉम, ये बताएंगे कि क्या है आर्टिकल 5 के अंदर रिक्वायरमेंट. वो बताते हैं कि पर्सन जो होना चाहिए उसके पास डोमिसाइल होनी चाहिए इंडिया की. साथ ही साथ इन नीचे गिरी गई तीन कंडीशन में से एक कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा. या तो उसका बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ होना चाहिए, या तो उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक
इंडिया में जन्म होना चाहिए, या तो माताजी या तो पिताजी, ठीक है, या 26 जनवरी 1950 से पहले, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ है उससे पहले वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हैं इंडिया के लगातार 5 साल तक। तो टॉम कहते हैं कि भाई मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हूँ लगातार 5 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले, यानी कि मैं इंडियन सिटीज़न बनने का हक रखता हूँ, ठीक है। तो वो इंडियन सिटीज़न बन गए, ठीक है। अब आर्टिकल 6 आता है। आर्टिकल 6 क्या बताता है? आर्टिकल 6 बताता है जो बंदे माइग्रेट होकर आए हैं पाकिस्तान से, देख सकते हैं पार्टीशन की ये फोटो है, ठीक है, इसमें लोग बाग बॉर्डर की दूसरी ओर से पाकिस्तान की ओर से इंडिया की ओर आ रहे हैं इतनी दिक्कतें झेल के इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है। अब इन्हें इंडियन सिटीजनशिप दिलानी भी चाहिए हमें, ठीक है। अब हम बताएंगे कि कैसे मिल सकती है इन्हें इंडियन सिटीजनशिप। वो बंदे जो आ रहे हैं पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, या तो उनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था उसमें उनके या तो माता पिता में से या दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो, ठीक है। साथ में साथ दो कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। वो बंदे जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इंडिया के, उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो कि 19 जुलाई 1948 वाले दिन या उसके बाद माइग्रेट हुए हैं, उन्हें जाके पहले तो रजिस्टर कराना होगा अपने आप को सिटीज़न ऑफ इंडिया और 6 महीने तक इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रुकना होगा, उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 7। अब देख रहे हैं आप अदनान स्वामी जी, इन्होंने रिसेंटली इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करी है, बहुत ही गजब के गायक हैं। आर्टिकल 7 बताता है कि पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, बंदा पहले माइग्रेट हुआ पाकिस्तान में बाद में वापस आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में आर्टिकल 7 क्या बताता है? पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए पर बाद में वापस आ गए वहाँ से, ठीक है। अब वो बंदा इंडियन सिटीजन कैसे बनेंगे? वो जब वापस आएंगे अपने आप को वो एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराएंगे और 6 महीने तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पर रहेंगे। उस दिन से वो 6 महीने गिने जाएंगे जिस दिन से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, उसके बाद उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 बताता है कि ओवरसीज इंडियंस जो हैं वो कैसे अक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को का इंडियन काउंसिलेट है और लोग बाग लाइन में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। अब उनको मदद करते हैं, कैसे मिले उनको इंडियन सिटीजनशिप। वो बंदे जो कि अक्वायर करना चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप और बाहर रह रहे हैं, भारत की नागरिकता अपनाए अक्वायर करेंगे और बाहर रह रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, और उस दौरान जब इनका जन्म हुआ इनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, उसके बाद ये चले गए बाहर विदेश में, ठीक है, ये अब्रॉड चलेगा जी, ठीक है। तो वो बंदा जो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था और वो बाहर रह रहे हैं, वो जाके अपने आप को रजिस्टर अगर उसने करा रखा है इंडियन डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इंडिया के, उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री में वो निवास कर रहा है या जिस कंट्री के अंदर वो रह रहा है, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेगा। इसके अंदर कोई क्लॉज नहीं देखा जाएगा कि ये काम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ है या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ है। जस्ट उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के हैं उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री का वो निवासी है, उसे मिल जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। और साथ में ऊपर वाला क्लॉज पूरा होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म होना चाहिए वो अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज, ठीक है। अब आर्टिकल 9 बताता है कि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप वॉलेंट्री ले ली तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है, जो आपकी इंडिया की नागरिकता है, वो निरस्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सामने लोग बाग खड़े हुए हैं यूएस की सिटीजनशिप लेने के लिए, नागरिकता यूएस की लेने के लिए। जैसे वो यूएस की नागरिकता लेंगे वॉलेंट्री, वो इंडिया की नागरिकता लूज़ कर लेंगे अगर कोई इंडियन जो है वो यूएस की नागरिकता ले रहा है, ठीक है। आर्टिकल 10 बताता है कि एवरी पर्सन डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हम सारे नागरिक हैं भारत के, हमारे पास भारत की नागरिकता है, साथ ही साथ उसके कुछ प्रोविज़न हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटी हैं जो एंजॉय करते हैं, ठीक है।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब तक उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं लाता है, हम उसे उसी तरीके से इंजॉय करते रहेंगे। अगर कुछ चेंजेस आता है तो उस बदलाव के साथ उसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। ये हक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 11 बताता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 हमें ये बताता है, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की फिगर आया, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि क्या रूल होने चाहिए, किस तरीके से, कि कौन सा लॉ बनाना होगा, किस तरीके से लेजिस्लेट करना होगा, कि क्या रूल हैं कि एक्वायर किया जा सके इंडियन सिटीजनशिप को, और कौन से तरीके होने चाहिए और कौन से क्लॉज होने चाहिए, कौन सा लॉ होना चाहिए, जिसके तहत टर्मिनेशन की भी बताया जाए कि किस तरीके से निरस्त की जा सकती है भारत की आपकी नागरिकता, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 11, और ये सारी पावर दी गई है किसे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ओके, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।